हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नेहा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी अगेन हेयर फॉल के ऊपर है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करने और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत सारी रेमेडी शेयर की हुई है। तो आज की जो रेमेडी है ये भी बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार इसको ट्राई जरूर करके देखना, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आज। अगर आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके साथ ही बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, बालों में चमक वापस लाना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, उसमें एक गिलास के लगभग पानी ऐड करना है। इसको आपको गैस पर रख देना है। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे वो है दोस्तों चाय पत्ती। तो यहाँ पे एक चम्मच के लगभग मैं चाय पत्ती को ऐड कर रही हूँ। चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बालों को कलर देने के लिए ये बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों। सो नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी एक चम्मच मेथी दाना। और मेथी भी जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है, हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स माना जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं वो है अनियन दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा अनियन नहीं लूंगी, हाफ अनियन लूंगी। इसको अच्छे से पिल ऑफ कर लूंगी, उसके बाद इसको कट करके इसको भी हम इसमें डाल देंगे दोस्तों। तो स्टार्टिंग में आपको इसकी फ्लेम को हाई करना है और जैसे ही ये बॉईल हो जाए आपको इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है दोस्तों। और लो फ्लेम में लगभग 10 मिनट तक आपको इसको पकाना है। मींस जो आपने एक गिलास पानी किया है ना वो आधा गिलास हो जाएगा, तब आपको अपनी गैस को बंद कर देना है। सो मैं इसको 10 मिनट तक पकने देती हूँ और आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा आधा हो चुका है। और इसको अब ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। और आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद आपको इसको एक बर्तन में छान लेना है दोस्तों। तो ये आपकी बहुत पावरफुल रेमेडी बन के रेडी हो गई है दोस्तों। और ये जो है आपकी स्कैल्प में बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए। सारे इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ऐड कर रखे हैं ये आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। उसके साथ ही अगर किसी भी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसको आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके बालों को तेजी से बढ़ाने में हेल्प करेंगे दोस्तों। बालों का टेक्स्चर अगर बहुत खराब हो चुका है, बाल बहुत ज्यादा रोगी सूखे बालों में किसी तरह की कोई चमक नहीं है, तो ये जो हमने चाय पत्ती इसमें ऐड कर रखी है, मेथी और प्याज हमने स्मैट करके, ये आपके बालों की चमक को दोबारा वापस लौटाने का काम करेगी दोस्तों। सो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसको आप जरूर करके देखिए। सो पूरे बालों में अच्छे से आपको लगाने के बाद थोड़ा सा मैसी है, आपको लगाते समय थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्योंकि ये है जब आप लगाएंगे तो इसका जो लिक्विड फॉर्म है तो पानी जो है ओबियसली आपके फेस पे भी आएगा, आपके आईज में भी जाएगा। बट नो प्रॉब्लम दोस्तों, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए, आपका हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो इसके लिए आपको ये सब तो यार झेलना पड़ेगा ही। तो आप देख सकते हैं मेरा भी लगाते समय पानी आंखों में जा रहा है। सो कोई प्रॉब्लम मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत मैसी भी है, कपड़े भी गंदे हो सकते हैं, इसलिए नहाने से पहले आप इसको ट्राई कीजिए। और बाथरूम में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अगर नीचे गिरेगा भी तो ये है कि आपके फर्श में आपका कमरा गंदा नहीं होगा, बाथरूम में ही गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाथरूम में आप नहाने से पहले इसको अपने बालों में अच्छे से लगा लें और लगाने के बाद इस तरीके से जूड़ा बना लें। एक घंटा इसको अपने बालों में रहने दीजिए और एक घंटे बाद आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेना है। कोई कंडीशनर नहीं लगाना है क्योंकि एज अ कंडीशनर भी काम करेगा आपके बालों में। और नेचुरल तरीके से अपने बालों को ड्राई होने दें। इसको यूज़ करने के बाद बालों में चमक तो आपको दिख ही रही होगी दोस्तों। सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस रेमेडी से। अब आपकी बारी, आप भी इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। और सेपरेट एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रखी हूँ जिसमें मैं खुला चैलेंज आप लोग को दूंगी, आप लोग के सामने अपने बालों की कटिंग करके 1 मंथ के अंदर उस बालों को बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि किस तरीके से मेरे बाल जो है 1 मंथ के अंदर कितने बड़े हैं। बहुत जल्द वो चैलेंज मैं आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ, वो रेमेडी मैं आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ। सो वो आप लोग को भी बहुत अच्छा बेनिफिट पहुँचाएगी, आपके बालों की ग्रोथ को फास्ट करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नहीं तो आप उस वीडियो को मिस कर देंगे। मिलती हूँ आप सभी से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।